हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच इन साइड। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक हाई नेक वाली कुर्ती बनाना सीखेंगे। हाई नेक कुर्ती में कॉलर आता है, लेकिन वो अलग से लगाया नहीं जाता है। कुर्ती की कटिंग करते वक्त ही आपको कॉलर के लिए भी कपड़ा काट लेना होता है। इसकी कटिंग थोड़ी सी अलग होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी कुर्ती के लिए 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है। यहाँ पे फ्रंट का पल्ला यानी कि आगे का पीस अलग काटना होता है और बाद में उसका नाप लेकर के पीछे का पीस अलग काटना होता है। तो पहले आपको अपने कुर्ते का घेर ले लेना है, जो भी आप पहनते हो। आप अपनी कुर्ती का जो भी घेर पहनते हो उसको 2 से डिवाइड करिए और उसमें 2 इंच ऐड करिए। मेरे केस में वो 12 इंच आता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी, खुली हुई साइड से बंद करेंगे और यहाँ पे सिर्फ 12 इंच इतना कपड़ा हम पहले तो ले लेंगे, ताकि हमारा बाकी का कपड़ा वेस्ट ना हो। हम घेर वाला कपड़ा ही क्यों लेते हैं, ना शोल्डर, ना कमर, ना वेस्ट, कुछ और नहीं, क्यों घेर वाला कपड़ा? क्योंकि हमारी पूरी कुर्ती में सबसे ज़्यादा साइज़ होती है घेर की, तो इसीलिए हमें घेर वाला कपड़ा ले लेना है। अगर घेर की साइज़ का कपड़ा आप काटेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से आपकी वेस्ट लाइन, कमर की लाइन, आपकी हिप लाइन, सब कुछ ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने 12 इंच का पल्ला ले लिया है, क्योंकि इसको खोलने के बाद वो 24 इंच का होगा। मेरे घेर में 2 इंच ऐड करने के बाद ये मेज़रमेंट आता है। पहले तो मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया है, बंद वाली साइड में अपनी तरफ रख लूँगी, आपकी तरफ खुली वाली साइड है। और अब हम यहाँ से ऊपर से मार्किंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मेजरमेंट लगता है छाती का 12वां भाग। मेरे केस में वो 3.25 इंच आता है। आपके केस में जो भी पॉइंट आता हो, आप यहाँ पर बंद वाली साइड पर वो पॉइंट बनाइए। अभी यहाँ पे आपने जो पॉइंट बनाया है उसको आधा कीजिए। अगर आपने यहाँ पे 3 इंच लगाया हो तो उसका आधा यानी कि 1.5 इंच आपको सामने की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ, और वहाँ पे वो पॉइंट बनाना है। अभी हमारा ये जो पहले पॉइंट बनाया था वो, और ये जो दूसरा पॉइंट बनाया है वो, इनको ज्वाइन करने वाला हम एक स्क्वायर शेप दे देंगे। अभी हमने जो ये पॉइंट बनाया था वहाँ से कपड़े के खुली तरफ जाता हुआ 1.5 इंच पर एक स्टैंडर्ड पॉइंट लगेगा। 1.5 इंच आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ये 1.5 इंच का एक पॉइंट बना लिया। यहाँ पर भी आपको एक सीधी लाइन बना लेनी है नीचे तक जाती हुई, और वो जो हमने पहले ब्लॉक बनाया था उसके साथ उसे ज्वाइन कर लेना है। अभी ये जो हमने लाइंस बनाई हैं, हमें इसको छोड़ देना है और बाकी बचते हुए कपड़े में से हमारी सारी ड्राफ्टिंग होगी। अभी हम पहले बनाएंगे अपना शोल्डर। दोस्तों, ये कॉलर वाली कुर्ती है, यानी कि शोल्डर ज़्यादा होते हैं। आप जो भी रेगुलर शोल्डर पहनते हो उसमें 2 इंच ऐड करिएगा, उसको आधा कीजिएगा और उसमें 1/2 इंच ऐड करिएगा। मेरा रेगुलर शोल्डर 13 इंच का है, लेकिन यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 15 इंच, उसको 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 7.5, और उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे मतलब 8 इंच। अभी शोल्डर हो गया। नीचे जाते हुए चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, जैसे हम नॉर्मली ड्राफ्टिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये जो ऊपर का पल्ला जो हमने एक्स्ट्रा किया है वही एक अलग था, बाकी की ड्राफ्टिंग नीचे सेम। ये जो हमारा शोल्डर लाइन है वही अब हमारा बेस है। हमें यहाँ से नीचे उतरते हुए हमारी नॉर्मल कुर्ती की सारी ड्राफ्टिंग करनी है। हमारी छाती की लंबाई यहाँ पे आएगी बंद वाली साइड पर, यानी कि छाती का 1/6 भाग। हमारी छाती की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। अपने शोल्डर वाले पॉइंट से कमर वाले पॉइंट तक, मेरे केस में 14 इंच आता है, उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे। स्टैंडर्ड 1/2 इंच ऐड करना ही होता है, तो ये 1/2 इंच ऐड करेंगे तो 14.5 इंच पर यहाँ पे कमर का पॉइंट। कमर की चौड़ाई नापेंगे तो कमर का जो भी साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड करिए, उसमें 1.5 या 2 इंच ऐड कर लीजिए। कमर के पॉइंट से नीचे 5 इंच उतरते हुए हिप का पॉइंट आता है, वो भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अपने हिप की चौड़ाई का पॉइंट भी यहाँ पे बनाना है, तो आपका हिप का जो भी राउंड हो उसको 4 से डिवाइड करिए और उसमें 1.5 इंच ऐड कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट बना लीजिए। घेर तो हमने पहले ही बना के रखा था, तो यहाँ पर ऊपर से बॉडी शेप देते हुए आएंगे घेर तक। अभी हमें आर्म होल बनाना है, तो अपनी चेस्ट वाली लाइन को शोल्डर से ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बैक आर्म होल के लिए कर्व का शेप दे देंगे। अभी हमें तीरा बनाना है, तो यहाँ पर नीचे 1/2 इंच पर मार्जिन रखेंगे और हमने ऊपर जो लाइंस बनाई थी वहाँ पर ये जो आखिरी लाइन थी वहाँ से क्रॉस में आते हुए तीरा बनाएंगे। हमने ऊपर टोटल 2 लाइन बनाई हुई है और एक फोल्डेड साइड है। अभी हम इनर आर्म होल बना लेंगे। ये 1/2 इंच वाला पॉइंट को नीचे ले जाते हुए हम चेस्ट लाइन तक ले जाएंगे और कर्व का शेप दे देंगे।
चलिए अब इसका कटिंग करते हैं। हमने ये जो 1.5 इंच वाली लाइन बनाई थी वहाँ से हमारा कटिंग होगा। ये 1.5 इंच वाली लाइन पहले काट ली, फिर शोल्डर पे जाएंगे, तीरा काटेंगे, वहाँ से हमारा बैक आर्म होल काटेंगे, इनर आर्म होल नहीं, क्योंकि ये भले ही हमारा फ्रंट पीस है जिसमें इनर आर्म होल होता है, लेकिन हमारा बैक पीस अभी काटना बाकी है। आर्म होल हो गया, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और एट द एंड घेरे वाली लाइन। बॉडी का शेप मैंने पहले ही दे दिया था। चलिए अभी हम अपना गला बना लेते हैं। पहले तो ये जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी। बंद वाली साइड से आगे की तरफ हमारी जो लाइन थी छाती के 12वें भाग का आधा पॉइंट, वो लाइन हमारे लिए मेन लाइन है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ब्लॉक था, वहाँ पे जो पहली लाइन थी, वहाँ से क्रॉस में आते हुए मैंने 7.5 इंच पर यहाँ पे गला बनाया है। मैं नॉर्मली 7 इंच या 7.25 इंच का गला पहनती हूँ। मैं यहाँ पे 7.5 इंच का गला क्रॉस में पॉइंट करके बना रही हूँ। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है, तो यहाँ पर आप 2 इंच तक सीधी लाइन लाइएगा, फिर उसे चौड़ा करते हुए पॉइंटेड लगाइएगा और फिर नीचे जाते हुए स्वीट हार्ट नेक शेप। यहाँ पे आप ब्रॉडनेस रखेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे गला हमारा ऑलरेडी शॉर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे चाहो तो कोई और शेप भी दे सकते हो, वी नेक दे सकते हो, या फिर इसके अलावा भी और बहुत सारे शेप आते हैं हाई नेक में, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी शेप को हमने कट कर लेते हैं। अब ये देखिए, खुलने के बाद ये जो 2 पट्टे हैं ये हमारा कॉलर बनेगा, ऊपर से जॉइंट होगा और ये हमारा गला बनेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे कट होता है। दोस्तों हमने सिर्फ फ्रंट पीस बनाया था, बैक पीस बनाना बाकी है, तो अभी हम बैक पीस के लिए कटिंग कर लेते हैं। बचता हुआ कपड़ा जो है उसमें भी 12 इंच का जो मैंने पहले लगाया था उतना ही कपड़ा मैं यहाँ पे फोल्ड करके पहले तो निकाल लूँगी बैक के पल्ले के लिए। अभी हम अपनी फ्रंट की कुर्ती इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो कॉलर बनाया है वो पट्टा हम नहीं रखेंगे। उसके बाद जो शोल्डर वाली लाइन है सिर्फ वही हमें रखनी है, तो इसकी वजह से नीचे का जो पल्ला है वो छोटा होगा। अपने शोल्डर वाले पॉइंट से हम सारी मार्किंग यहाँ पे बिठाएंगे। शोल्डर की लाइन, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन, कमर की लाइन, घेरा। अभी ये देखिए, हमने फ्रंट की कुर्ती में ऊपर कॉलर बनाया था तो उसका पट्टा अलग था। यहाँ पर पीछे के कुर्ते में हमें कोई कॉलर तो नहीं बनाना है, तो ये देखिए नीचे की तरफ कपड़ा ज़्यादा है, हमें इसे कट करके छोटा करना पड़ेगा। तो दोस्तों हाई नेक में तो ये नियम ही है कि जब आप इसका कुर्ता बनाते हैं तो फ्रंट का जो पीस होता है वो बड़ा बनता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो पीछे का पीस होता है, बैक की कुर्ती होती है, वो छोटी बनानी पड़ती है ताकि उन दोनों की लंबाई सेट हो सके। इसके मार्किंग मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं फ्रंट वाली कुर्ती से बैक वाली कुर्ती पर। अभी इसका कटिंग कर लेते हैं। चलिए अभी इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो नेक पीस काटा था उसे हम बुकरम पे बिठाएंगे। एक पहले तो बुकरम ले लेंगे, रफ वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे, मोम वाली साइड अंदर की तरफ रख के उसके ऊपर हम अपना कपड़ा रखेंगे। ये प्रोसेस तो हम जनरली करते ही हैं, लेकिन अगर समझिए कि आपसे ये पीस गुम हो गया तो आप डायरेक्ट कुर्ती के ऊपर से कैसे गला बनाएंगे, तो आप बुकरम की जो बंद वाली साइड हो वहाँ पर कपड़े की बंद वाली साइड रखिए इसी तरह से। और इसके ऊपर से अपना शेप पूरा का पूरा इस बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए मैं पहले पॉइंट बना रही हूँ, उसके बाद ये पूरा शेप इसके ऊपर बिठा लूँगी। ये करते वक्त आप ध्यान रखिए कि बुकरम की बंद वाली साइड पर आपके कपड़े की बंद वाली साइड होनी चाहिए। पूरा शेप ड्रॉ हो गया, इसकी आउटलाइन दे देंगे। आउटलाइन सेम शेप की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम राउंड शेप भी दे सकते हैं। आउटलाइन में मैंने 1 से 1.25 इंच का मार्जिन रखा है। अभी इसको हम कट कर लेंगे।
ये पीस पूरी तरह से अंदर चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है और इसे आयरन की मदद से उसके ऊपर स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने आधे इंच इतना मार्जिन छोड़ के बाकी का कपड़ा काट लिया है और ये आधे इंच के मार्जिन को हम अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। ये स्टिचिंग होके रेडी हो गया। अब इसे हम अपने कुर्ते पे बिठाएंगे। अब इसके लिए बुकरम छोड़ के बाकी का कपड़ा हम कट कर लेंगे। बुकरम के बिल्कुल बगल में जितना भी कपड़ा आता हो उसे कट कर लेंगे। कुर्ते के सीधे साइड के ऊपर अपना बुकरम रखेंगे उल्टी साइड वाला और यहाँ पर टैकपिन की मदद से हम पूरा शेप इसके ऊपर बिठा लेंगे। देखिए मैंने पूरा शेप बिठा लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे बुकरम के ऊपर। पूरे शेप के ऊपर हम धीरे धीरे सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। गले को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं। मैं यहाँ पर अपना जो बुकरम का पीस है वो पूरी तरह से अंदर ले लेने वाली हूँ, इसीलिए मैंने कंट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है। इस डिज़ाइन में हमारे बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, तो पॉइंट जहाँ पे आ रहा हो वहाँ पे आपको एक मिनट के लिए मशीन को खड़ा करना है, सुई को अंदर रख लेना है और कपड़े को घुमाना है, फिर वापस से सिलाई को कंटिन्यू करना है, तो वो पॉइंट का लुक आ जाएगा। जैसे हमारा नॉर्मल गला होता है बिल्कुल वैसे ही अब इसे कंप्लीट कर लेंगे और ये करने के बाद इसको उल्टा करके इसकी आउटलाइन की सिलाई दे देंगे। पहले थोड़े थोड़े से कट दे देंगे ताकि इसे मोड़ने में आसानी रहे। चलिए ये हमारी पूरी सिलाई हो गई, कट हो गई, इसको उल्टा करके फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं। बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल कुर्ती तैयार करते हैं ये वैसे ही तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ हम इसका बैक पीस ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मेन होता है कि शोल्डर को कैसे ज्वाइन करना है, वही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए मैंने अपना बैक पीस ले लिया है, उसका सीधा कपड़ा ये मेरे पास है, उसके ऊपर मैं अपने कुर्ती के फ्रंट का सीधा कपड़ा रख दूंगी, यानी मेरी तरफ कुर्ते का उल्टा हिस्सा और ज़मीन पर भी कुर्ते का उल्टा हिस्सा। अभी जैसे हम नॉर्मली शोल्डर अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ गले के शेप तक अटैच करेंगे और इसके बाद ये जो पट्टी आ रही है हमारी कॉलर की, वहाँ पर जो कपड़ा है उसे हम अपने पीछे के, ये देखिए इस तरह से टैकपिन लगा करके मैं आपको बता रही हूँ, हमें ये जो कॉलर वाला पोर्शन है उसका कपड़ा ज्वाइन करना है हमारे पीछे के पल्ले के साथ, ना कि बुकरम। चलिए टैकपिन तो लगा ली मैंने, अब आपको मशीन पे ले जाके बता देती हूँ। ये देखिए शोल्डर की सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक की। हमें ये जो बैक का पल्ला है हमारा उसके सेंटर में एक नॉच दे देना है और ये जो हमारा कॉलर की सिलाई हम करेंगे वहाँ का कपड़ा हमें ये जो नॉच है सेंटर का वहीं तक लाना है, उससे ज़्यादा का जो भी कपड़ा हो हम उसे फोल्ड करके लॉक करेंगे। ये आपके केस में भी होगा, थोड़ा सा कपड़ा बचेगा ही। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर का नॉच है, हमें अपने कपड़े की सिलाई कॉलर की सिलाई यहीं तक लाके रोक देनी है। अब यहाँ पे हमने ये रोक दिया,
बाद में हम दूसरे वाले शोल्डर जो दूसरी तरफ है उस शोल्डर को भी सिलते हुए आएंगे, वहाँ का कॉलर भी सिलेंगे और हमारे जो सेंटर का नॉच है वहीं तक आकर अपनी सिलाई को रोक लेंगे। चलिए हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो गई, शोल्डर लॉक हो चुके हैं, डबल सिलाई हो चुकी है। अभी यहाँ पे ये जो कपड़ा बच रहा है कॉलर का उसको हमें एक दूसरे के अंदर मर्ज करके लॉक करना है। जनरली इतना ही कॉलर बचता ही है तो इसे आप एकदम ऐसे फोल्ड करिए इस तरफ को और यहाँ पर एक सिलाई लगाइए। हम ये बुकरम को डबल फोल्ड करके सिलाई कर रहे हैं तो अगर ये मशीन पे पॉसिबल ना हो तो आप हाथ सिलाई से भी इसे कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो दूसरी तरफ का कॉलर है उसका जो बचता हुआ कपड़ा है उसे भी इस तरह से अंदर की तरफ दबाइए और इसे सील कर दीजिए। बाद में इन दोनों कॉलर के पल्लों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने वाली आप सिलाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे हुक भी रख सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ खुला रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं तुरपाई कर लूँगी यहाँ पर और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भी हाथ सिलाई कर लेंगे। तो लीजिए ये हमारा पूरा नेकलाइन तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है बुकरम में, लेकिन जब हम इसे पहनेंगे तो वो बिल्कुल विजिबल नहीं होगा क्योंकि हमारा जो गला है कॉलर है वो पूरी तरह से ढक जाएगा। तो लीजिए दोस्तों हमारी ये हाई नेक वाली कुर्ती अब बनकर के तैयार हो गई है। इसे हाई नेक कॉलर वाली कुर्ती भी बोलते हैं, इसे हॉल्टर नेक की कुर्ती भी बोला जाता है। सेम पैटर्न है, यहाँ पे कुछ लोग बैक में भी अलग से गला बनाते हैं लेकिन मैंने फ्रंट का गला ऑलरेडी डीप रखा है तो मुझे इसे पहनने में आसानी रहेगी और मुझे बैक में ओपन गला ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया है। लेकिन आपको अगर वो बनाना हो तो मैं एक सैम्पल पीस बना करके आपको डेफिनेटली दिखा दूँगी। अब इसमें आप जैसे नॉर्मली स्लीव लगाते हैं और सेंटर का जॉइंट करते हैं वो एकदम ईजी है, मैंने हर बार अपने हर एक वीडियो में बताया है इसलिए मैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं बता रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।